में भी आपको जानकर खुशी होगी कि 1956 में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बनी थी, तब से लेके आज तक मेरे बराबर में किसी के नंबर नहीं आए। उसमें 96.4% अंक मुझे प्राप्त। यस भाई, वो आपके भी गुरु हैं बलबीर शर्मा जी, और मेरे आदर्श भी हैं और गुरु स्वरूप भी हैं। आपको एक मंत्र देता हूँ। उन्होंने कहा कि बेटे एक चीज़ है जो कभी लौट कर नहीं आती है। मैंने कहा कि वो क्या है ताऊ जी? उन्होंने कहा बेटे कभी दिन में नहीं सोया, लगातार 9 वर्ष मैं कभी मैंने दिन में सो के नहीं देखा। और अकेला गोल्ड मेडल ही नहीं रहा, आपको जानकर खुशी होगी 40 वर्षों के दौरान इतने नंबर लगातार किसी के नहीं आए। लगातार एक क्लास में नहीं, दो में नहीं, लगातार 5 वर्ष की शास्त्री होती है विशारदोर शास्त्री, उसमें भी स्वर्ण पदक रहा है विद 40 ईयर्स रिकॉर्ड, 40 वर्षों के रिकॉर्ड के साथ। मेरे गांव वालों ने भी मुझे 2020 26 जनवरी पर मुझे सम्मानित किया था। लगभग 81,000 रुपये गांव ने मुझे दिए। मुझे दीपक भाई जी, करनाल में आज आप किस कॉलेज में और कौन सी पोस्ट पर विराजमान हो? हाँ, करनाल में मैं दयाल सिंह कॉलेज करनाल में हूँ, जो बस स्टैंड के पास में ही है। मेरा सिलेक्शन संस्कृत के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पद पर हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर पर मेरा चयन हुआ है, लेकिन वहाँ पर HOD के पद पर पोस्ट थी हरियाणा में। और कितने बच्चे सिलेक्ट हुए थे? हाँ, एक ही पोस्ट थी संस्कृत की, एक ही पोस्ट थी, और वहाँ पर टोटल 31 कैंडिडेट आए थे पूरे हरियाणा के। API स्कोर वगैरह होता है उसमें, 10वीं 12वीं BA MA रिसर्च पेपर PhD MPhil वगैरह के नंबर होते हैं, और 12.5 नंबर का इंटरव्यू होता है। 31 कैंडिडेट थे, 31 कैंडिडेट में से 30 कैंडिडेट PhD थे, और मैं अकेला ही था जिसकी PhD भी नहीं थी, फिर भी मेरा API स्कोर सबसे ऊपर बनता था, क्योंकि वो और मेरी सारी बातें थी, 10वीं 12वीं इत्यादि में रिसर्च पेपर मेरे सब कुछ पब्लिश था, और लगभग 47 मिनट मेरा इंटरव्यू चला था, और प्रभु कृपा रही कि वहाँ पर मेरा फिर सिलेक्शन हो गया। तो भाई बहुत ही बड़ी बात है, एक ही पोस्ट थी, और जो अदर 30 कैंडिडेट थे 31 में से सभी PhD थे, लेकिन भाई PhD भी नहीं थी, फिर भी इतने रिकॉर्ड नाम थे कि बिना PhD भाई की सिलेक्शन हो भी, ये गांव देवबन जिला कैथल और हरियाणा के लिए बहुत ही बड़ी गर्व की बात है। PS भाई बहुत बहुत ही अच्छे हैं और रियल खबरों को दिखाते हैं। आप सभी को कहना चाहूँगा कि भाई के चैनल को, सोशल हरियाणा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। सोशल हरियाणा की टीम आज पहुंची है गांव देवबन में, और गांव देवबन में आज आपको एक ऐसी हस्ती से मिलवाएंगे जिन्होंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अनेक रिकॉर्ड तोड़ के अपने नाम किया है, और रिकॉर्ड तोड़ने वाले दीपक शास्त्री के जीवन में क्या क्या कठिनाई आई है और क्या क्या उन्होंने संघर्ष किया है, सभी बातें आज आपके साथ शेयर करेगा दीपक जी। नमस्कार भाई जी। हाँ जी नमस्कार, सोशल हरियाणा चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को राम राम, नमस्कार। दीपक जी, आज गांव देवबन में आए हो, आपका यहाँ पर बचपन भी बीता है, वैसे आजकल बाहरी रहते हो, तो गांव से जुड़ी बातों पर क्या कहना चाहोगे? हाँ, गांव में मैं नौकरी लगने के बाद पहली बार आया हूँ, और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मतलब इतने गरीब परिवार से मैं रहा हूँ, और आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, आज की दिवाली मेरे लिए कुछ खास है। दीपक जी, आपने इतना संघर्ष किया जीवन में, तो शुरुआती पढ़ाई कहाँ से शुरू की आपने? मैंने शुरुआती पढ़ाई गांव के सरकारी स्कूल से ही की, 10वीं तक की पढ़ाई मैंने सरकारी स्कूल से ही की है। 10वीं के बाद फिर? 10वीं के बाद फिर मेरे चाचा राम निवास जी हैं, उनके मार्गदर्शन के अनुसार फिर मैं कुरुक्षेत्र में चला गया था, वहीं पर मैंने 5 साल की शास्त्री, जिसमें विशारद का 2 वर्ष का डिप्लोमा होता है, वो +2 के इक्वल होता है, उसके बाद फिर मैंने शास्त्री की, जो 3 वर्ष का 3 वर्ष की डिग्री है, वो शास्त्री की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद फिर मैंने वहाँ पर शास्त्री में लगातार 5 वर्ष गोल्ड मेडल रहा 40 वर्षों के रिकॉर्ड के साथ। फिर मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के कैंपस से ही BEd की, और उसके बाद फिर मैंने MA की। MA में भी आपको जानकर खुशी होगी कि 1956 में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बनी थी, तब से लेके आज तक मेरे बराबर में किसी के नंबर नहीं आए। उसमें 96.4% अंक मुझे प्राप्त हुए। तो भाई बहुत ही बड़ी बात है, दीपक भाई ने बताया कितने 1956 में यूनिवर्सिटी बनी थी, और आज तक का रिकॉर्ड दीपक भाई ने अपने नाम कर लिया। सबसे ज़्यादा पॉइंट लेने वाले दीपक शास्त्री मेरे गांव देवबन से है, तो हमारे लिए भी एक गर्व की बात है। तो दीपक भाई जी, जैसे गरीब परिवार से संबंध रखते थे, तो जीवन में कठिनाई भी आई होगी, जो भी आपके जीवन में कठिनाई आई, समस्या आई, एक बारी थोड़ा हमारे दर्शकों के साथ शेयर जरूर करो। कठिनाई तो आई ही है,
लेकिन जैसे है ना, मैं शुरू से ही धार्मिक रहा हूँ। ऐसे तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं मतलब बाहर कहीं पर ज़्यादा संपर्क नहीं रखता था, बस भगवान के उसमें ही रहता था। जैसे सोमवार को सोमवार की कथा करना, मंगलवार को मंगलवार का काम करना। मतलब मैं 5वीं क्लास से, मुझे याद है 2005 से 10वीं क्लास तक मैंने लगातार हनुमान के व्रत किए, और शुरू से ही मैं बहुत ज़्यादा धार्मिक रहा। और 10वीं क्लास में तो इतना हो गया था कि मैंने भगवान की एक बार परीक्षा ले ली थी। मेरे चाचा जी खड़े थे, वो भी जानते हैं कि मैं भगवान की भक्ति में इतना तल्लीन हो गया था, और मैंने सोच लिया था आगे पढ़ाई नहीं करनी, और भगवान को चैलेंज कर दिया कि यदि आप मुझे पास करेंगे, मैं एक टच भी नहीं करूंगा पुस्तक को, किसी पुस्तक को, और आपने मेरे को बोर्ड की परीक्षा यानी कि 10वीं मुझे पास करना है, मैं देखता हूँ फिर ही मैं आपको मानूंगा। तो मैंने, आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा, विश्वास पता नहीं होगा, कि मैंने किताबों को टच भी नहीं किया। मेरे माँ बाप मुझे बोलते थे भाई पढ़ला कर, मैं मेरा वहाँ पर, वहाँ जहाँ हम पशु बांधते हैं, मैं वहाँ चला जाता था, वहीं पर अपनी भक्ति करता था, किताबें वहीं जाकर रख देता था। मैंने एक अक्षर भी नहीं पढ़ा पेपरों के टाइम में भी, और मेरी क्लास के बच्चे भी, मेरे टीचर भी मुझे बोलते थे कि भाई पढ़ला कर नहीं तो फेल हो जाएगा, तो वो बोलते थे। और आपको आश्चर्य होगा, बिना पढ़े भी 73% अंक आए, ये भगवान की कृपा थी। तो भगवान में भी मेरी बहुत आस्था रही, और फिर मैंने सोच लिया था आगे मुझे पढ़ना नहीं है, अब आगे मैं केवल या तो बाबा बनूंगा या कुछ ना कुछ, मतलब मुझे भगवान की भक्ति करनी है, मतलब ऐसा मेरे मन में था। तो फिर मेरे चाचा राम, मेरे पिताजी भी बहुत बीमार रहते थे, माता जी भी बीमार थी, तो उन्होंने कहा कि भाई, अब मेरे चाचा रामनाथ जी के पास हो गई कि मेरे मेरे बेटे को अभी बाहर जाना है, मतलब 10वीं हो गई है, और इनको, इनके लिए कुछ मार्गदर्शन कीजिए। तो मैंने कहा कि मेरे को तो ये काम करना नहीं है, या तो मैं फिर नॉन मेडिकल से कुछ करूँगा, नहीं तो मैं नहीं करूँगा। उन्होंने कहा कि वहाँ पूजा पाठ भी होता है, और आप वहाँ चली जाइए। तो उन्होंने मेरे को शास्त्री की तरफ मार्गदर्शन किया, और इसलिए भी क्योंकि घर की परिस्थितियां ठीक नहीं थी, शास्त्री की पढ़ाई बड़ी ज़्यादा, उसमें खर्चा नहीं होता है, तो फिर मैं वहाँ चला गया। तो फिर वहाँ, फिर मैंने पूरी मेहनत के साथ, जब मैं वहाँ पर गया, आपको जानकर खुशी होगी, पीएस भाई वो आपके भी गुरु हैं, बलबीर शर्मा जी, और मेरे आदर्श भी हैं और गुरु स्वरूप भी हैं। तो मैं जब भी किसी काम की शुरुआत में तो बाहर जाता हूँ, तो एक बार उनके दर्शन करने के लिए चला जाता हूँ। तो मैं उनके पास गया कि ताऊ मैं कुरुक्षेत्र जा रहा हूँ पढ़ने के लिए। तो उन्होंने कहा कि बेटे मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, और आप इसको ध्यान रखेंगे, इस मंत्र। तो बहुत ही अच्छी बात बताई दीपक भाई जी। जयराम विद्यापीठ से आपकी जो जो यादें जुड़ी है उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। हाँ, जयराम विद्यापीठ में फिर मैं गया, जैसा कि ताऊ ने, मैंने आपको बताया कि जब मैं ताऊ के पास गया कि मैं बेटा आपको एक मंत्र देता हूँ, उन्होंने कहा कि बेटे एक चीज़ है जो कभी लौट कर नहीं आती है। मैंने कहा कि वो क्या है ताऊ जी? उन्होंने कहा बेटे वो है समय। इतना कह के उन्होंने कहा कि ठीक है बेटे, अब आप जाओ। फिर मैंने ना जाते वक्त उस पर विचार किया कि बात तो बहुत बड़ी कही है, तो मुझे फिर बाद में वो बात समझ में आई। मैं हॉस्टल में रहता था लगातार 7 साल, जयराम विद्यापीठ के हॉस्टल में रहा। वहाँ पर बच्चे दोपहर को भोजन करके सो रहे होते थे, तो मुझे वो ताऊ की बात याद आती थी कि समय वापिस नहीं आएगा, अगर ये समय चला गया तो फिर मान लो जो उस क्लास में मेरा जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, मैं क्या पता वो दोबारा मैं उसको पढ़ पाऊँगा नहीं पढ़ पाऊँगा, और ये समय दोबारा आना नहीं। वो बच्चे तो सोते थे दिन में, मैं कभी दिन में नहीं सोया, लगातार 9 वर्ष मैं कभी, मैंने दिन में सो के नहीं देखा, और मैं 4 से 5 घंटे की ही नींद लेता था, और दिन में वो बच्चे सोते थे और मैं पढ़ता था। तो उन्होंने मुझे अलग किया शास्त्री में, वहाँ पर भी एक रिकॉर्ड है, लगातार 5 वर्ष यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल रहा, और अकेला गोल्ड मेडल ही नहीं रहा, आपको जानकर खुशी होगी 40 वर्षों के दौरान इतने नंबर लगातार किसी के नहीं आए, लगातार एक क्लास में नहीं, दो में नहीं, लगातार 5 वर्ष की शास्त्री होती है विशारद और शास्त्री, उसमें भी स्वर्ण पदक रहा है विद 40 ईयर्स रिकॉर्ड, 40 वर्षों के रिकॉर्ड के साथ। दीपक भाई जी इतने रिकॉर्ड तोड़े, अगर मान सम्मान की बात की जाए तो कहाँ कहाँ सम्मानित हुए आप? हाँ, मेरे लिए सबसे बड़ा गौरव का विषय तो ये रहा कि मेरे गांव वाले बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, मैं अपने गांव का हमेशा ऋणी रहूँगा। मेरे गांव वालों ने भी मुझे 2020 26 जनवरी पर मुझे सम्मानित किया था, लगभग 81,000 रुपये गांव ने मुझे दिए, मुझे इतना उत्साह मिला, इतना जोश मिला, और मुझे लगा कि अब मुझे कुछ विशेष करना है,
मैं और भी पूरी पूरी तलीनता के साथ, पूरी तत्परता और मेहनत के साथ मैं पढ़ा और भगवान ने मेरी सुन ली और आज मैं HOD के पद पर विराजमान हूँ दयाल सिंह कॉलेज करनाल में। तो भाई जैसे गांव ने मान सम्मान किया, कहीं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में सम्मानित हो गए, उनको सम्मान सम्मान के बारे में बताइए। हाँ, पानीपत में है, पानीपत में RIPG कॉलेज में सभी ब्राह्मणों का सम्मेलन था, उस महाब्राह्मण सम्मेलन में भी मुझे सम्मानित किया गया, चांदी का मुझे पदक मिला, बहुत बड़ी प्रतिमा मिली और बहुत सारा मान सम्मान किया। और हमारे जहाँ में पढ़ा श्री जयराम विद्यापीठ में भी हमारे पूजनीय श्री ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जी, जिनके निर्देशन में वो संरक्षण संरक्षणकर्ता भी हैं, वो उनको चलाते हैं, ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जी के आशीर्वाद भी मुझे प्राप्त हुआ। वो प्रतिवर्ष जब मेरा गोल्ड मेडल आता था तो लगातार 5 वर्ष उन्होंने भी मुझे सम्मानित किया, प्रतिवर्ष 5100 रुपये चद्दर फूल माला, वो गीता जयंती पे हर बार मुझे सम्मानित करते रहे, उत्साह मिलता रहा है, प्रभु कृपा रही। तो दीपक भाई जी, करनाल में आज आप किस कॉलेज में और कौन सी पोस्ट पर विराजमान हो? हाँ, करनाल में मैं दयाल सिंह कॉलेज करनाल में हूँ, जो बस स्टैंड के पास में ही है। मेरा सिलेक्शन संस्कृत के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पद पर हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर पर मेरा चयन हुआ है, लेकिन वहाँ पर HOD के पद पर मैं विराजमान हूँ, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। जो ये पोस्ट थी भाई, जब आप लगे कितनी पोस्ट थी हरियाणा में और कितने बच्चे सिलेक्ट हुए थे? हाँ, एक ही पोस्ट थी संस्कृत की, एक ही पोस्ट थी और वहाँ पर टोटल 31 कैंडिडेट आए थे पूरे हरियाणा के। API स्कोर वगैरह होता है उसमें, 10वीं 12वीं BA MA रिसर्च पेपर PhD MPhil वगैरह के नंबर होते हैं और 12.5 नंबर का इंटरव्यू होता है। 31 कैंडिडेट थे, 31 कैंडिडेट में से 30 कैंडिडेट PhD थे और मैं अकेला ही था जिसकी PhD भी नहीं थी, फिर भी मेरा API स्कोर सबसे ऊपर बनता था क्योंकि और मेरी सारी बातें थी, 10वीं 12वीं इत्यादि, मेरे रिसर्च पेपर, मेरे सब कुछ पब्लिश था और लगभग 47 मिनट मेरा इंटरव्यू चला था और प्रभु कृपा रही कि वहाँ पर मेरा फिर सिलेक्शन हो गया। तो भाई बहुत ही बड़ी बात है, एक ही पोस्ट थी और जो अदर 30 कैंडिडेट थे 31 में से सभी PhD थे, लेकिन भाई PhD भी नहीं थी, फिर भी इतने रिकॉर्ड नाम थे कि बिना PhD भाई की सिलेक्शन हो गई। ये गांव देवबन जिला कैथल और हरियाणा के लिए बहुत ही बड़ी गर्व की बात है। तो दीपक भाई जी, अपने गाँव वासियों को और क्षेत्र वासियों को ताकि आपकी तरह कामयाब हो सके, क्या संदेश देना चाहोगे? हाँ, मैं गांव वासियों को, गांव के बच्चों को मैं ये संदेश देना चाहूँगा। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इस संसार में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसके अंदर कोई ना कोई विशेष बात ना हो, कोई ना कोई खास बात ना हो। जैसे कि आप जानते हैं, जैसे घोड़ा होता है, घोड़ा दौड़ने में माहिर होता है और गधा भार ढोने में, यानी कि कहने का भाव यह है कि प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक प्राणी में कोई ना कोई विशेष बात है, बस उस विशेष बात को पहचानना है, अपने उस विशेष गुण को पहचानिए। जरूरी नहीं है कि आपको पढ़ाई की ही दिशा में जाना, जो भी आपके अंदर विशेष काबिलियत है, कोई विशेष गुण है, उसको पहचान करके उसके में आप आगे बढ़िए, आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। और हमारे एक संस्कृत में एक श्लोक है, उद्यमम साहसम धैर्यम बुद्धि ही शक्ति ही पराक्रमः सडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवाः सहायकाः। इसका मतलब ये है कि पूरी मेहनत के साथ, उद्यम के साथ, साहस के साथ, धैर्य के साथ, बुद्धि शक्ति और पराक्रम के साथ जो व्यक्ति काम करता है तो भगवान भी उसकी सहायता करते हैं। मेरी भी भगवान ने सहायता की है, अकेला मेरा कुछ नहीं है, भगवान उसकी हमेशा सहायता करता है जो मेहनत से और ईमानदारी से काम करता है। तो भाई दीपक जी, बहुत ही अच्छी बात बताई आपने। तो अपना चैनल है सोशल हरियाणा, क्या संदेश देना चाहोगे हमारे दर्शकों को? हाँ, मैं यही संदेश देना चाहूँगा, PS भाई बहुत बहुत ही अच्छे हैं और रियल खबरों को दिखाते हैं। आप सभी को कहना चाहूँगा कि भाई के चैनल को, सोशल हरियाणा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। और ये भी गाँव के सितारे हैं और एक दिन हीरे की तरह हमारे भाई चमकेंगे, ये हमें विश्वास है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप गांव में बहुत अच्छे अच्छे कार्य करते रहते हैं, गांव में बच्चों को सम्मानित करते रहते हैं और मुझे भी बहुत बार आपने ऐसा मौका दिया है और मैं बिल्कुल दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूं और सभी से अपील भी करता हूं कि भाई को अधिक से अधिक ऊपर पहुँचाएँ, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो ये थे भाई दीपक शर्मा जी, जिन्होंने अपना कीमती समय दिया। तो देखते रहिए सोशल हरियाणा, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू जी हरियाणा, जी हरियाणा।